चलिए सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बार बताएंगे सभी लोग कि आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? सभी लोग एक साथ बताएंगे क्या आवाज़ वगैरह क्लियर है? बताइए जल्दी से। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है? सभी लोग बताइए फटाफट से, करेंगे सभी लोग आंसर। ऑल क्लियर मैम, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सभी लोग आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आप लोग जो ये क्लास देख रहे हैं ना, दबंग सीरीज आज से आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है? आज से आपकी जो दबंग सीरीज है ना, ये स्टार्ट हुई है। और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोग देखेंगे कि पूरी पूरी कोशिश की गई है इन क्वेश्चंस के साथ कि आपको यही हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है? आ जाइए जल्दी से और इस क्लास को सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। चलिए, और देखिए ये जो दबंग सीरीज लाने का उद्देश्य है, वो साफ है कि आपके हाथ में जो बेरोजगारी की बेड़ियां लगी हुई हैं, इस बेरोजगारी की बेड़ी को आपके हाथों से उखाड़ फेंकना है, तोड़ फेंकना है, ठीक? तो सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? बताइए जल्दी से और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए सभी तक, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। हाँ, सभी लोग आ जाइए और शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। आज का कारवां कल सफल होगा, आज का कारवां कल सफल होगा, बिन घबराए बस चलते रहना, पैरों के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से आ जाइए सभी लोग, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये जो क्लास होगी ना आपकी, डेली शाम को 7 बजे से हुआ करेगी, ठीक? ये जो दबंग सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, ये डेली आपकी शाम को 7 बजे से शुरू होगी और आपकी लगभग 30 से 35 मिनट की ये वीडियो होगी। और इसमें आपका, इसमें जो है आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस डेली होंगे, ठीक? और ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा, ठीक? और क्वेश्चंस की जो क्वालिटी देखेंगे आप लोग, एकदम धमाकेदार होंगे। जैसा सीरीज का नाम है दबंग सीरीज, वैसे ही आपके क्वेश्चंस भी दबंग होने वाले हैं, ठीक है? तो बताइए रेडी है? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए मैम रोज़ दिखा करो, हाँ ठीक है, डेली देखेंगे, ठीक? आ जाइए सभी लोग फटाफट से, अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे, शाबाश। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है। बताइए, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, बताइए अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में विख्यात हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे फर्स्ट का, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, फटाफट से आ जाइए क्लास में। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में प्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट का ए एकदम सही आ रहा है आपका, ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अलेक्जेंडर काल्डर किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकारी के लिए, ठीक, पहला क्वेश्चन। और देखिए आप लोग अपना आकलन भी करते जाना साथ साथ कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, बढ़िया, अच्छा खासा खाए पिए घर का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करिएगा। प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम है सत्यमेव जयते, जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता जो आपके आमिर खान हैं, इनके द्वारा प्रसारित किया गया है। इसका पहला प्रसारण कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से बताएंगे। 5 मार्च 1911 को, 6 मई 2012 को, 12 जुलाई 2013 को, 1 जून 2014 को, क्या होगा दूसरे नंबर का? शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्या दे रहे हैं आप लोग? हाँ, बी नंबर, बी नंबर इसका सही होगा, 6 मई 2012 को, ठीक है? कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं, तो सी नहीं होगा, ऑप्शन बी, 6 मई 2012 को सत्यमेव जयते को प्रसारित किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
तीसरा क्वेश्चन है, राम किंकर बैच के कलागुरु कौन है ये बताना है। अवनींद्रनाथ टैगोर है क्या, हिरण्यम राय चौधरी हैं, या फिर नंदलाल बोस हैं, या फिर बीसी सान्याल है, बताइए। तीसरे का क्या होगा, राम किंकर बैच के कलागुरु पूछे गए हैं आपसे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा, राम किंकर बैच के कलागुरु पूछे गए हैं भाई, क्या बता। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, अब आ गया आपका आंसर, नंदलाल बोस इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी, राम किंकर बैच के कलागुरु कौन है, तो नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक, याद रखना है। और राम किंकर बैच किस लिए प्रसिद्ध है बताइए जल्दी से, किस लिए है बताइए फटाफट से, छापाकार के लिए है, या मूर्तिकला के लिए है, या फिर किसके लिए है, बताओ जल्दी से। मैम फेस कॉर्नर पे कर लो, ओके, चलो चलो बताओ, राम किंकर बैच के कलागुरु कौन है, ये तो आपने बता दिया, नंदलाल बोस हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है, मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथे पे आते हैं, दिया है पंडित राज जगन्नाथ, बताइए क्या होगा, किसके दरबार में राजकवि थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे, हुमायूं के थे, अकबर के दरबार में थे, शाहजहां के, या औरंगजेब के। पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे, ये पूछा गया है चौथे नंबर का। चलिए आ जाइए चौथे नंबर पे, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार के थे, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आप लोग, शाहजहां, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जगन्नाथ किसके टाइम पे, शाहजहां। और शाहजहां के ही काल को हम क्या कहते हैं, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक, ये याद रखना है। और कला का धड़ाम कहाँ होता है, औरंगजेब के समय में होता है। आगे चलते हैं, दिया है अंतराल को अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है, स्थान, क्षेत्र, भूमि बंधन, धरातल। अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे, शाबाश, बिल्कुल सही है, बेरोजगारी की बेड़ियां तोड़ना है तो ये सारे क्वेश्चंस के साथ हमें टकराना पड़ेगा, ठीक। तो डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है, बहुत बढ़िया, पांचवें का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए भूमि, क्या, हाँ आंसर दीजिए फटाफट से, पांचवें का क्या होगा, पगलू, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थान बोलते हैं, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहते हैं, स्थान बोलते हैं, ठीक, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, दिया है कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से ग्रंथ में मिलता है, बताइए, रामायण में मिलता है, नाट्यशास्त्र में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, शाबाश, बिल्कुल सही है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। और कौन सी धातु, मतलब ये जो कला शब्द है वो कौन सी धातु से बना है, बताओ जल्दी से, किससे बना हुआ है, फटाफट से आप लोग भी बताएंगे आंसर, शाबाश। हाँ नाट्यशास्त्र में यथार्थवादी प्रयोग, बहुत बढ़िया, हाँ कल धातु से हुआ है, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं, जयमंगला, अच्छा बताओ जल्दी से, जयमंगला को किसने लिखा, बताओ जल्दी, जयमंगला में आलेख मतलब चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं, 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं, फटाफट से बताइए 7वें नंबर का, बहुत बढ़िया, 6 बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, 7वें का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल एकदम सी आ रहा है, कितने बताए गए हैं इसमें, 6 भेद बताए गए हैं जयमंगला में, किसने लिखा है इसको, बहुत बढ़िया, किसने, यशोधर पंडित ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, महाभारत में राजकुमार, दिया है महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रलेखा ने, ऊषा ने, माया ने, सुतनुका ने, किसने बनाया था ये पूछा गया है आपसे, और फटाफट से आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, शाबाश। और देखिए अगर क्लास पसंद आए ना तो आज हमें सभी का एक दिल जरूर चाहिए, ठीक है, और एक लाइक भी चाहिए, ठीक, और नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोगों का प्यारा प्यारा सा रिप्लाई भी चाहिए, ठीक है, तो इतना करेंगे ना आज आप लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, चित्रलेखा ने, एकदम सही आंसर आया है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चित्रलेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, ठीक है। चलो दिया है सर्वप्रथम लिपि का जन्म होता है कहाँ से, बताओ कहाँ पर सर्वप्रथम लिपि का जन्म होता है कहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। चलिए मिस्र में होता है, मेसोपोटामिया में, चीन में, सिंधु में, लिपि का जन्म पूछा गया है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का, 9वें का बताइए क्या है, कुछ ही बच्चों का आंसर सही आ रहा है,
शाबाश, ऑप्शन बी होगा इसका। ये है क्या है, सबसे पहले लिपि का प्रयोग पूछा गया है, जन्म पूछा गया है, ये मेसोपोटामिया में होता है, किसमें होता है, ऑप्शन बी होगा। मेसोपोटामिया वालों बिल्कुल सही हो आप लोग, ठीक है, काफी बच्चे मिस्र में जा रहे हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है किस युग को विश्लेषणात्मक तथा समन्वयात्मक कहा जाता है, कौन से युग को, प्रभाववाद को कहते हैं, अभिव्यंजनावाद को, घनवाद को, भाववाद को, सभी लोग बताएंगे दसवें का क्या होगा राइट आंसर, किस युग को विश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक कहा जाता है, ये पूछा गया है, घनवाद को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपका एकदम सही है, घनवाद को कहा जाता है, शाबाश। मैम मटक मटक के चल रहे हैं, हाँ यही चाल होनी चाहिए, मटक मटक के एकदम, ठीक है। चलो कातिल अदाएं आ गई आपकी, बताओ जल्दी से, रूप का कातिल किसको कहा जाता है, पॉप कलाकारों को कहते हैं बताइए, अभिव्यंजनावादी कलाकारों को कहते हैं, या फिर घनवादी कलाकारों को कहते हैं, या फिर भाववादी कलाकारों को कहते हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, रूप का कातिल कहा जाता है किसको, शाबाश, वेरी गुड, घनवादी कलाकारों को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिया है, पूछा जा रहा है आपसे कि अंडाकार मानव शीर्षों अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया है, बताइए इसमें जो स्त्रियों का अंकन मिलता है अंडाकार मानव शीर्षों में किसने किया है, बताइए हाँ चलिए मैम जी को कहते हैं कातिल, अच्छा आ जाओ जल्दी से, पेपर में ना करके आए ना तब होगा आपका कत्ल। चलो बताओ बारहवें नंबर का क्या बता रहे हैं आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बढ़िया, शाबाश रविन्द्रनाथ टैगोर, आपने एकदम सही आंसर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडाकार मानव शीर्षों का जो अंकन किया है वो किसने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। आगे चलते हैं, बताइए ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतरराष्ट्रीय त्रैवार्षिकी प्रदर्शनी आयोजन शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट, 1954 से 68, 49, 50, क्या होगा 13 नंबर पे, बहुत बढ़िया आंसर सभी के आने चाहिए, सभी के 13वें नंबर का बी बता रहे हैं, एकदम सही है 1968 से, कब से 1968 से, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है किस वाद को फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिलती है, घनवाद को, प्रभाववाद को, अभिव्यंजनावाद को, अति यथार्थवाद को, बताइए सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है उसको किससे प्रेरणा मिलती है, तो याद रखना ये है अति यथार्थवाद से इनका संबंध मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो दिया गया है आपके सामने कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया, बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर का जो शालीमार बाग है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया, तो सभी लोगों को पता होगा जिसके काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसके काल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को चित्र वगैरह बिल्कुल से चरम सीमा पे होते हैं, कौन है वो, जहांगीर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए हेलो हाँ कौन, चलो 16 पे आइए, इसका क्या होगा राइट आंसर, बताइए फटाफट से, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको याद रखना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, ईवी हैवल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, दिया है सल्वाडोर डॉली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ होता है, बताइए, बार्सिलोना स्पेन में, पेरिस फ्रांस में, कमडेन नगर इंग्लैंड में, रोम इटली में, बताइए क्या होगा बहुत बढ़िया, शाबाश, किसने दिया है ये आंसर, सुधीर शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के,
और कला एवं संस्कृति का अकबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक और सुन लीजिए, मुगल कला का स्वर्णकाल किसके टाइम को कहते हैं? तब भी आपका शाहजहां होगा, ठीक, याद रखना। चलिए 17 नंबर का आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं। तो सल्वाडोर डॉली का जन्म पूछा है, पहली बात तो टाइम याद रखना है 1904 में, और होता कहाँ है? बार्सिलोना स्पेन में होता है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नीले पोशाक वाली महिला जो है ये किसका चित्र है? बेकमैन का है, कर्नेंस्की का है, कोकोश्का का है, हूफर का है? बताइए नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? 18 नंबर पे आएंगे सभी लोग, नीले पोशाक वाली, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी कोकोश्का, कोकोश्का एकदम सही है, वेरी गुड। कोकोश्का एकदम सही आंसर आया है, वेरी गुड। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोकोश्का का है, ठीक। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस जितने आप देख रहे हैं ना इस दबंग सीरीज में, एकदम दबंग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं इधर पे। चलिए, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष ये किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? कुल्हाड़ी से कटा हुआ जो शीर्ष है ये किसने बनाया है? फ्रांस हॉल्स ने, एडवर्ड मुंक ने, पॉल क्ली ने या पिकासो ने? बताइए 19 नंबर पे। एक तरह से आपका टेस्ट भी चलता जा रहा है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इसमें, बताइए 19 नंबर पे। तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ जो शीर्ष है ना, इसको बनाने वाले कौन है? पॉल क्ली हो जाएगा। किसने? पॉल क्ली ने इसको बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों का बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है आंसर, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 20 नंबर पे आते हैं। तो 20 नंबर आपके सामने है, बताना है इनमें से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? अमरनाथ सहगल है, कपिला वात्स्यायन है, अवनीनाथ टैगोर हैं, आसित कुमार हल्दार हैं? मूर्तिकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। अमरनाथ सहगल एकदम सही आंसर दिया है, बिल्कुल मटक मटक के चल रहे हो और एकदम करेक्ट आंसर पे दे रहे हो, अमरनाथ सहगल हो जाएगा, प्रसिद्ध मूर्तिकार है। चलो आगे चलते हैं। तो दिया गया है प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण दिया था। कौन सा सम्मान? पद्म विभूषण दिया था। ये कहाँ की रहने वाली हैं? बताइए जल्दी से। कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन पूछा है, 2011 में मिलता है। कौन सा सम्मान? पद्म विभूषण मिलता है। अब ये कहाँ के हैं ये बताओ, बताओ। वडोदरा की हैं, काशी, दिल्ली, कलकत्ता? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? काफी लोगों ने काशी पहुंचा दिया। हाँ, दिल्ली वाले एकदम सही हो, बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली से ही है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ ठीक है, हम करवा देंगे, उसको भी करवा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा कला केंद्र भी बोलते हैं शॉर्ट में, कहाँ स्थापना होती है? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई? बताइए क्या है। बिल्कुल स्पीड में भागना है, 22 का क्या है? बिल्कुल सही है, दिल्ली। दिल्ली वालों बिल्कुल करेक्ट हो, ये भी आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा कला केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया है सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? टाइल्स है, एक्टेम्परा है, स्टैंड ग्लास है, सिरेमिक है? सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है ये पूछा गया है 23 में। ट्वेंटी थ्री पे आएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिरेमिक वालों एकदम दाग दिए हो आंसर और एकदम से दबंग से आंसर किया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, सिरेमिक, ठीक। सतीश गुजराल का म्यूरल की रचना किसमें? सिरेमिक में हुई है, ठीक। आगे चलते हैं, दिया है कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। पिकासो, ब्रॉक, मुंक, डॉली? एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और आप लोग देख रहे हैं कि एकदम मज़ेदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है और डेली शाम को 7 बजे क्लास होगी, ठीक। इस क्लास में सभी को जुड़ना है, बताइए 24 का क्या होगा? पिकासो, ब्रॉक, डॉली, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। एडवर्ड जो मुंक बच जाते हैं बेचारे बीच में, उनका संबंध कहाँ से है ये आप लोग बताएंगे, ठीक। तो एडवर्ड मुंक जो है इसका गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा, ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है ये बताओ? टेराकोटा है, इच कला है, या फिर बरोक है, या फिर बाइजेंटाइन है? ये बताइए 25 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे।
शाबाश, जर्मनी से है मुंख का, ठीक है। 25 पे आइए, क्या है सही? 25 का भी आंसर आ गया है इचकला, एकदम सही है, इचकला हो जाएगा। गोथिक कला को ही हम इचकला के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दिया है, ये इचकला हो जाएगा, ऑप्शन ये दिया है, ठीक। आगे चलते हैं, कंपनी शैली का निर्माण कौन सी दो शैलियों के मिश्रण से होता है? कंपनी शैली का निर्माण किस दो को मिला देते हैं तो होता है, बताइए। 26 पे आएंगे, शाबाश, एक जैसा रिप्लाई आ रहा है सभी का, मजेदार तरीके से। कंपनी शैली का निर्माण कौन सी दो शैलियों से हुआ है, बताओ? बिल्कुल सही है, सब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। चलो आंसर की बात करते हैं, मुगल और पाश्चात्य हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, पगलू ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबके सब पगलू हैं एक नंबर के। चलो बताना है कौन से शहर में रूमी कलम प्रचलित है, बता लेंगे, बताओ जल्दी से क्या होगा। पटना है, कोलकाता है, लखनऊ है, दिल्ली है। अब रूमी, रूमी से दिमाग में चल रहा होगा कि भाई रूमी नाम तो हमने बहुत अच्छे से सुना है। अब किसी की भैया सोना बाबू का नाम भी हो सकता है रूमी या रोमी, जो भी, तो उनको तो उनकी याद आ गई होगी, लेकिन ये अपना रूमी है लखनऊ वाला, ठीक है, रूमी दरवाज़ा, ठीक, लखनऊ में पड़ता है। अरे कलकत्ता वालों, कलकत्ता ही भेज देंगे सीधा, आंसर होगा लखनऊ। आगे चलते हैं, दिया है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है, 1943 में होती है, 67 में होती है, 49 में, 58 में होती है। चलो क्या होगा इसका राइट आंसर, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है ये पूछा गया है, बताइए फटाफट से, कब होता है? 28 नंबर पे आएंगे सभी, ऑप्शन ए बता रहे हैं, 1943 में, चलो ठीक है मान लेते हैं। किसने की है ये बता सकता है कोई? 1943 में होती है, चलो मान लिया, किसने की है ये बताओ, फटाफट बताओ आंसर, सभी का आना चाहिए। पीडी गुप्ता, पीडी गुप्ता बिल्कुल सही है, पीडी गुप्ता, प्रदोष दास गुप्ता अमर रहे। चलो आगे चलते हैं, 29 नंबर पे, दिया है भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, भारत की वह फिल्म कौन सी है जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हो पाई थी? मदर इंडिया है, देवदास है, स्वदेशी है, लगान है, बताइए। क्लास कैसी लग रही है ये बताना है आपको, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ जल्दी, फटाफट से बताइए क्या है। लगान वालों बिल्कुल सही हो, लगान ही इसका राइट आंसर होगा, 2001 की बात है, ये भी याद रखना है, ठीक है, शाबाश, ऑप्शन डी वालों एकदम करेक्ट आंसर दिए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा के चार मुख किसका प्रतीक मिलता है, बताइए। चार वेदों का है, चार देवता का है, चार भाइयों का है, चार पुष्प का है, बताइए। हाँ लगान आमिर खान की, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा के चार मुख काहे को बताते हैं, बताओ जल्दी से, 30 नंबर पे आएंगे सभी। मैम बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, चार वेदों का, ठीक, चारों, अच्छा चारों में से सबसे नया वेद कौन सा है ये बताओ जल्दी से, और वेदत्रयी के अंतर्गत कौन से तीन वेद आते हैं वो बता दो जल्दी से, बताओ फटाफट से जब तक। बताइए, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे ये पूछा गया है, देवी प्रसाद, झुमुक लाल, ईश्वरी प्रसाद, चुन्नी लाल, 31 पे आएंगे। वेरी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। चलिए क्या है इसका राइट आंसर, हाँ अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सब आपके वेदत्रयी में आते हैं, वेरी गुड, और अथर्ववेद जो है न्यू है, बिल्कुल सही है। चलो इसको बताओ क्या है, 31 नंबर पे, शाबाश, ऑप्शन डी वालों एकदम सही हो, चुन्नी लाल, सॉरी चुन्नी लाल नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ईश्वरी प्रसाद, एकदम सही है। पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार थे वो कौन थे, ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा ये है, ठीक, हाँ ये चुन्नी लाल नहीं है, चुन्नी लाल नहीं होगा। आगे चलते हैं, लो बताओ कमल भाव किसका नाम है, 32 नंबर पे बताइए, कमल भाव किसका नाम है, विष्णु जी का है, शिव जी का है, गणेश जी का है, ब्रह्मा जी का है, बताइए कमल भाव किसको कहते हैं, बताओ। 32 पे शाब, अरे ब्रह्मा वालों बहुत मारेंगे, विष्णु जी को कहते हैं कमल भाव, किसको कहते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं,
दिए है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया, ये बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, शेरजहां सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है ये बताओ जल्दी से। कन्नौज में है क्या, अजमेर में है, या फिर जयपुर में है, या फिर वाराणसी में है, कहाँ है बताओ जल्दी से। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है ये पूछा गया है। 33 पे आइए, डी हो जाएगा, एकदम सही है, इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कहाँ है, अजमेर में है, सभी का राइट आया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हम्पी कहाँ है ये बताओ, हम्पी किसकी राजधानी है, केरल, विजयनगर, और किस राज्य में है ये बताओ, हम्पी किस राज्य में है ये बताना है बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत पिटाई वाले काम करते हैं कुछ बच्चा, कह रहे हैं मैम राजस्थान, राजस्थान तो ऑप्शन में ही नहीं है पगलू, ये हम्पी जो है ना ये कर्नाटक में है, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और किसकी राजधानी है ये पूछा गया है हमने आपसे, बताओ जल्दी से, विजयनगर की, बिल्कुल सही है। अच्छा हम्पी जो है किस किस रुपए के किस नोट में छपा हुआ है, किसी को पता है हम्पी जो है किस नोट में छपा हुआ है, बता सकता है कोई, बताओ जल्दी से, कितने रुपए के नोट में छपा हुआ है ये पूछा है हमने, शाबाश बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने बिल्कुल एकदम सही बताया है, 50 रुपए का जो नोट है ना उसमें हम्पी का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अब बात आई है तो रानी की बाव किस रुपए के नोट में बना है ये बताओ, रानी की बाव जो है ये किस रुपए के नोट में बना है ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे रानी की बाव, शाबाश 100 रुपए के नोट में जो है वो रानी की बाव है, ठीक है। अच्छा बताओ कोणार्क का जो सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बना हुआ है वो किस रुपए के नोट में क्या हो रहा है भाई, बताओ कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस रुपए के नोट में बना हुआ है ये छापेंगे आप लोग, शाबाश बिल्कुल सही है, 10 रुपए के नोट में है, ठीक है। चलो चलो कुछ पता है आप लोगों को, चलो आते हैं आगे। पूछा गया है केरल कला मंडलम, इसकी स्थापना 1930 में होती है, समय याद रखना है पहला तो, ठीक, किसने की है ये बताओ, त्यागराज, कृष्णकुट्टी, विष्णु सिरोडकर, केसीएस पणिक्कर, क्या होगा 35 नंबर पे ये बताना है। केरल कला मंडल की स्थापना 1930 में होती है, किसके द्वारा होती है ये आप लोग बताएंगे, 35 का त्यागराज, अच्छा बहुत बढ़िया, आंसर याद रखना केसीएस पणिक्कर, क्या होगा इसका राइट आंसर, केरल कला मंडलम की केसीएस पणिक्कर ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैम सभी नोट एग्जाम में लेके जाएंगे, हाँ सब समझ जाएंगे, कुछ खपला है लगता है, ये नोट लगाएगा पेपर में, जो आपकी ओएमआर आती है ना वहां के टीचर सोचेंगे लगता है ये इतने सारे पैसे लेके आया है, इसका मतलब है कि ओएमआर सीट में ये पंच करने वाला है वो आपको लास्ट तक देखेगा, सोचेगा शायद मेरा जुगाड़ फिट हो जाए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है 35 हो गया, आगे चलते हैं 36 पे। पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है ये बताना है, रूसो का है, शागाल का है, रोआल्ट का है, या फिर एंडी वारहोल का है हाँ क्या हो गया, नहीं ले जा सकते, हाँ नहीं ले जा, नहीं ले जाने देते हैं बिल्कुल, तो 36 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर, 36 का बता रहे हैं डी, एकदम सही है एंडी वारहोल, इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू हो रही है खांसी, चलिए दिया है पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया, ब्रॉक ने, मुंक ने, पिकासो ने, पॉल क्ली ने, बताइए 37 का क्या है चलिए बात करते हैं 37 नंबर पे, शाबाश
दिया है पेंटिंग में चौथे आयाम का जो परिचय दिया है, जो आप लोग 1D 2D 3D पढ़ते हैं ना आप लोग, तो ये दिया है पॉल क्ली ने। किसने दिया है? पॉल क्ली। एकदम ऑप्शन डी हो जाएगा, आज आपको याद रखना है। ठीक है, सर्दी हो गई है, बस यही तो है, खांसी आ जाती है। दिया है निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन था? रेनवा था, पिकासो था, जॉन मीरो था, या कॉन्स्टेबल था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ क्या होगा इसका राइट आंसर। 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार पूछा है और बिल्कुल सही आया है आपका पिकासो। एकदम सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। ऑप्शन बी हो जाएगा, पिकासो एकदम सही होगा। हाँ, यूथ कंपटीशन भी होता है रात को 8 बजे, उसमें भी आप लोग जुड़ा करिए। ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे आपका होगा। ठीक, चलिए बताना है कौन सा चित्र है जो मोनोक्रोम योजना में चित्रित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनयो की स्त्रियां हैं, ग्वेर्निका है, दर्पण है, भोजन है, क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिया है ग्वेर्निका, इसके एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसने बनाया है ग्वेर्निका को ये बताइए, पिकासो का है क्या? चलो आगे बात करते हैं। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज पंचम, एडम स्मिथ, जॉर्ज जॉब चॉर्नॉक ने, या सत्येंद्रनाथ ने? कलकत्ता शहर की जो नींव रखी है वो किसने रखी है ये बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाब, हाँ पिकासो ने बनाई है ग्वेर्निका। चलो ठीक है, इस पे आइए। हाँ चॉर्नॉक, बिल्कुल सही आया है, जॉब चॉर्नॉक जो है इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कालीघाट शैली का संबंध किससे मिलता है? पटना से है, लखनऊ से है, कलकत्ता से है, मुर्शिदाबाद से है? क्या है इसका राइट आंसर? 41 नंबर पे आएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका बताइए। चलिए, कालीघाट शैली का संबंध किससे मिलता है? बिल्कुल सही है, कलकत्ता से। कहां से मिलता है? कलकत्ता से, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपसे मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी चित्र जो है किसने बनाया है? वॉन गॉग, पाल गोंग, रूसो, सेजा, बताइए मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? बताएंगे सभी लोग, 42 नंबर पे। बहुत बढ़िया मेरे शेरो, एकदम सही आंसर दे रहे हो आप लोग। पगलू, वॉन गॉग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉन गॉग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। दिया है भारतीय कला में तेल माध्यम के अग्रदूत, तेल माध्यम आप सभी जानते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा? 43 नंबर पे आएंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राजा रवि वर्मा कहाँ के? केरल वाले। कब होता है जन्म? 1948। कब होता है जल्दी से बताओ, इनका जन्म कब होता है? 1848, 1948, 1748 या 2048? बताओ जल्दी से कब होता है, क्या होगा जन्म बताओ जल्दी से। शाबाश, 1848 में जन्म होता है, 1906 में मृत्यु होती है। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा था, ये बताइए क्या होगा? किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा था? पिकासो, सल्वाडोर डॉली, जॉन मीरो, फ्रेंच मार्क? 44 पे आइए। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली, एकदम सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिया है महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे, ये बताना है। यूनान, रोम, पेरिस, ग्रीस, क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही आंसर देंगे सभी लोग फटाफट से। अरस्तु किस देश से हैं ये बताना है, 45 का ए। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन दे रहे हैं, यूनान, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुजान लेंगर कौन है? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजान लेंगर बताइए क्या होगा। 46 नंबर पे आएंगे एक साथ,
चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्री हैं। ठीक है, देखिए इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे आपकी यूथ कंपटीशन की बुक हम करवा रहे हैं, स्टार्टिंग ही की है, 2 चैप्टर हुए हैं, तीसरा चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, चलिए 47 पे आते हैं। दिया है निम्नलिखित में से चाक्षुष मतलब दृश्य कला कौन सी है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, तीनों है, बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चित्रकला को भी हम देख सकते हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला, सबको देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। बताइए 12 मासा का चित्रण कौन से कलाकारों का प्रिय विषय रहा। कोटा, मालवा, बूंदी, जोधपुर। ये भगवान क्या है, बिल्कुल सही है, बूंदी। क्या होगा, बूंदी, एकदम सही है, बूंदी शैली का है। ठीक है, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा होगा, खांसी आ जाती है बीच बीच में। चलिए दिया है चित्रण के समय अलसी का जो तेल है और टर्पेंटाइन का अनुपात कितना रहता है, ये बहुत पूछा जाता है, बताइए। 20-70 का होता है, 40-45 का होता है, 50-55 का होता है, 50-50, बताइए। 49 का क्या होगा, बहुत बढ़िया, 50-50%, कितना होता है, 50-50% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश में लोगों ने विकसित किया था, बताइए। अमेरिका के, चीन के, जापान के, ग्रीक के। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत जो है कौन से देश के लोगों ने विकसित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। क्या होगा 50 का, हाँ 8 बजे क्लास होगी। क्या होगा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रीक, एकदम सही है, ग्रीक, हाँ यूक्लिड ने किया था, वेरी गुड, सुधीर शर्मा ने बता दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक या यूनान, कुछ भी दे दे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और कल थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 50 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, 60 तक कल कोशिश करेंगे। ठीक, अब बताओ क्लास कैसी लगी आपको, ये बताओ, जल्दी से बताएंगे क्लास कैसी लगी आपको, ये बताना है, मजा आई कि नहीं ये बताओ। 42 नंबर का क्वेश्चन गलत दे दिया है, क्या हो गया 42 नंबर के क्वेश्चन को, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था, तो पाल गोंग ने ही तो किया था ना, हाँ सुपर से ऊपर, बहुत बढ़िया, चलिए बेस्ट था, ऑसम क्लास है मैम, हाँ बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़ा आया है, नाइस क्लास मैम, शाबाश, हाँ उसका वो हो जाएगा। चलो गुड इवनिंग शिवब्रो, हाँ ठीक है, तो देखिए आपकी जो ये क्लास है डेली शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, 50 तक कर दिया है, वहाँ तक पहुँचा दें, नहीं तो कल दिमाग से निकल जाएगी बात। चलिए तो यहाँ तक आज हम लोगों ने क्लास को की हुई है, अब आपको बताना है क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही डेली डेली जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है ये बताएंगे सभी लोग। और देखिए इस क्लास के जस्ट बाद, इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे जो है आपकी दूसरी क्लास लगी हुई है यूथ कंपटीशन टाइम की। ठीक, तो यूथ में हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यूथ के जो है ना 2 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, तो आप लोगों को 2 चैप्टर तक तो पूरा पढ़ ही लेना है, और आज से आपका जो तीसरा चैप्टर है उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। ठीक, और साथ में बता दें, और ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये क्लास नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी छूट जाए लेकिन दबंग सीरीज हमेशा दबंग ही रहेगी, और क्वेश्चन उसके दबंग ही रहेंगे, और यही दबंग क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तब आप लौट कर कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि मैम जो दबंग क्वेश्चन पढ़े थे वही दबंगी हमने पेपर में निकाली है। ठीक, तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी नहीं थोड़ी बहुत तो आई होगी। जी मैम डेली जुड़ना है, हाँ किस चीज़ की क्लास है मैम, ये क्लास जो है आपकी TGT, PGT, LT आर्ट या BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
मैम बीपीएससी TRE 4 कब होगा? उसका अभी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, पहले BPSC 3 ही तो हो जाए कंप्लीट, जब तक वो नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा। मैम ऐसे ही यूथ का क्लास करिए। चांदनी जी हम बहुत पी चुके, मतलब 20 दिन से 22 दिन से हो गया, हमें लगातार खांसी आ रही है, सही नहीं हो रहा, हम लगातार पी रहे हैं पानी, गर्म पानी में ही नहाए हुए हैं, पूरा पानी पी रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है। मैम आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? डेली शाम को 7 बजे यही कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट लाइव रहेंगे, ठीक, डेली मिलना है आपको। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हो, काहे को? मैम एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा? हाँ देखो महाकुंभ के मेले में आपकी एग्जाम की डेट खो चुकी है, आप पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है उस एग्जाम की छोटी सी डेट को खोजने के लिए कि कहाँ छुपी हुई है, तो पूरी पुलिस फोर्स लग रही है, तो आप कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना अच्छा सा। हाँ दिल छूने वाली क्लास बिल्कुल। डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, यहीं पर आपको डेली जुड़ना है, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय, और कल भी आपको इसी टाइम पर जुड़ना है, ठीक है? आज से श्री गणेश हो गया है दबंग सीरीज का, कल से सभी लोगों को अपने टाइम पे फिर से पधारने की कृपा करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अभी 8 बजे, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं 8 बजे, ठीक? मिलना है 8 बजे, भगना नहीं है, ठीक? चलो।